Hi everybody, Kolkata in the playoffs. As you can see, the tickets, the offline tickets, which are to be issued from the counter are all over, finished. There are no offline tickets, only the online tickets are being sold right now. People who have purchased online, they are waiting for their tickets. टॉस जीतने से क्या करना चाहिए केकेआर को बताइए। टॉस जीतने से मुझे लगता है कि बैटिंग करने अच्छा है, बिकॉज़ बैटिंग करो, रन बनाओ, देन ट्राई टू स्टॉप इट डाउन। चेस करने से कुछ ज़्यादा प्रेशर आ जाता है आप लोगों के ऊपर। ऐसे नहीं कि चेस करने से हम लोग नहीं जीते, चेस करने से हम लोग लाइक 6 times जीते आउट ऑफ द 8 matches वे वन। चेस करने से भी हम लोग अच्छे ही जीते हैं, बट आई वुड प्रेफर के प्लेऑफ्स एलिमिनेटर है, नॉट लाइक यू गेट अनदर चांस। आपको अनदर चांस नहीं मिलेगा, हार गए तो हार जाओ। तो यहाँ पे आई वुड होप के बैट में रन बैटिंग करना है, पुट द रन ऑन द बोर्ड एंड प्रेशर, अच्छा बॉलिंग अटैक है केकेआर का, हो सकता है डिफेंड हो सकता है। को कोई भी टीम को अगर आप ये करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं केकेआर के लिए एलिमिनेटर में, तो किसको चूज करने से? राजस्थान ऑब्वियस। देखिए आपका ये जो बॉलिंग हम लोग का है, पेस बॉलिंग, आई वुड लाइक टू गो फॉर वन पेसर एक्सपीरियंस वन, आई वुड गो फॉर जॉनसन एंड उसके साथ मावी या फिर कृष्णा, जो ज्यादा फॉर्म में हो। कृष्णा इस वक्त ज्यादा फॉर्म में, तो उम्मीद करते हैं कि केकेआर जीते। कोल बोल और बोल बोल और बोल जीत बोले ले गए हैं, तो आप लोग बहुत खुश होंगे। बिल्कुल। किसको चाहते हैं ऑपोजिशन? राजस्थान, फर्स्ट चॉइस राजस्थान। ये आपको बैटिंग करना चाहिए, फील्डिंग करना चाहिए? फील्डिंग। क्यों? वेरी गुड, तो ठीक से अगर परफॉर्म करेगा तो कोई भी रन चेज कर सकता है। वेरी गुड। और कैप्टन डीके तो बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, डीके तो बहुत हर बार मैच में अच्छा चेज कर रहा है और फिनिश कर रहा है मैच, लेकिन उतप्पा को थोड़ा और फिनिश करना चाहिए। उतप्पा 30-40 में जाकर आउट हो रहा है ज्यादा। और आपको जो पेस बॉलिंग केकेआर का है, मतलब ओवरसीज फास्ट बॉलिंग, वो तो अच्छा नहीं कर रहे कोई भी, तो आप फास्ट बॉलिंग अच्छा कर रहा है। तो आपको क्या ख्याल लगता है कि मावी और कृष्णा दोनों को ही एक साथ खेलना चाहिए? जगह नहीं होगा, नहीं तो एक बैट्समैन को बैठाना पड़ेगा, तो वो शायद। लेकिन ओवरसीज फास्ट बॉलर को तो खिलाना जरूरी नहीं है, ये नहीं है कि आपको चारों ही ओवरसीज खिलाना है। ठीक है, जो चारों ओवरसीज है, रसेल, लीन, नारायण और आपका जो एक ओवरसीज होगा बॉलर, वही मैं बोल रहा हूँ, बॉलर को तो खिलाने का जरूरत नहीं है। कुरन है, जॉनसन है, पर अभी मिचेल स्टार्क बा जॉनसन वो तो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो सीएलएस आज तो नहीं खेल पाया, ओवरसीज अब खेल रहे हैं सीएलएस, वो बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर देता है इसलिए उसको खिला रहा है, वो बैटिंग भी कर देता है, तो ठीक है चलो, जब क्लिक कर रहा है टीम एक साथ तो टीम कॉम्बिनेशन चेंज। तो शायद कृष्णा बहुत अच्छा बॉल किया है। T20 में ऑलराउंडर बहुत कम करता है, सिर्फ बॉलर, सिर्फ बैट्समैन, बिल्कुल तो अच्छा ही होगा ना। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, आप केकेआर जीतेगा। केकेआर, थैंक यू। Hi, as we can see, an under 14 match is going on just in front of Eden Gardens. We have got two young cricketers sitting watching the match. I'll just have a few words with them regarding IPL. आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, आप under 14 इस मैच में आप खेल रहे हैं? अच्छा, तो आप लेग स्पिन बॉलर है, तो आपको लेग स्पिनर कौन सा लेग स्पिनर आपको पसंद है? शेन वॉन, वेरी गुड। आप आईपीएल देख रहे हैं ना, तो आपको आपको पता है कि केकेआर कल प्लेऑफ्स में घुसे हैं। आप जो ये टॉस जो होगा, वो आपको क्या लगता है टॉस कौन अगर जीतेगा तो क्या करना चाहिए उसको? इसमें फील्डिंग करना चाहिए। ओके ओके, सो हाउ इज द मैच गोइंग ऑन, माने योर टीम इज डूइंग वेल? Okay, okay, very good. There's a catch. Oh, that we'll have to wait and see. As of now, it's bye from Eden Gardens.